हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स बियॉन्ड डेटेस्टेंट। आज हम करने वाले हैं मीशो से अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी हॉल। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो फर्स्ट ज्वेलरी है ये एक हैवी टोकन सेट है रॉयल ब्लू एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। के नीचे व्हाइट कलर के ये ऑफ व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं एंड मतलब फुली एडजस्टेबल है ये ना, इजीली आपके नेक के डायमीटर के अकॉर्डिंग इजीली एडजस्ट हो जाएगा, पूरा फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो ये एडी में जो नेकलेस सेट्स आते हैं वो काफ़ी रिजिड क्वालिटी होती है, नहीं काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब एडजस्टेबल है एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रिटी है, थोड़ा सा हैवी लुक देगा एंड जो ब्लू कलर के स्टोन्स हो रखे हैं यूज़ हो रखे हैं वो काफ़ी अच्छी शाइन दे रहे हैं एंड सिल्वर वाले भी। okay, मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ, वेरी प्रिटी। एंड इसके साथ जो इयररिंग्स आए हैं, इयररिंग्स भी थोड़े हैवी लुक में ही हैं, इसके इयररिंग्स आ जाएंगे। एंड ये जो सेट है ये अवे कलेक्शन से है एंड इसने मेरे को कॉस्ट किया 1150, इसने मेरे को कॉस्ट किया 1150 में एडी सेट मिलता है वो भी हैवी में, तो अच्छी डील है 1150 के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने सेम सेट का रिव्यू किया था फ्रॉम JDJ एंड JDJ से ये इस सेट ने मेरे को कॉस्ट किया था, वो आई थिंक उस टाइम पीच कलर में था। यस, पीच कलर में था, लास्ट ईयर किया था वो मैंने, 1 ईयर हो गया है। उसने कॉस्ट किया था उस टाइम 1450 और ये अभी 1150 का आबे कलेक्शन से मेरे को रिसीव हुआ है। मैं पहले भी आबे कलेक्शन से काफ़ी जो ज्वेलरी है उनका रिव्यू कर चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सही दाम पर मिल जाती हैं ये, तो यस मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट सेट अगेन चोकर सेट है, बट इस वाले चोकर सेट ने मेरे को कॉस्ट किया 600। यस, 600 के अकॉर्डिंग ये भी काफ़ी अच्छी ले लो आप, ये भी काफ़ी अच्छी डील है। एंड इसमें जो बेस मेटल है दैट इज़ गोल्डन बेस मेटल पे ऐसा कुछ वर्क हो रखा है एडी स्टोन्स का, नीचे ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, उसमें छुटकू से ऑरेंज कलर के बिल्कुल टाइनी वाले पर्ल्स यूज़ हो रखे हैं, बीच में रेड कलर का स्टोन है एंड अगेन ये भी एडजस्टेबल है, थोड़ा सा लाइट वेट है एंड बट 601 कॉस्ट क्या है वो बट बाइंग लगा, मेरा मत करो बिटू, 601 के अकॉर्डिंग बट बाइंग लगा ये मुझे एंड अगेन हावे कलेक्शन से ही है। इसकी इयरिंग्स की बात करें तो इयरिंग्स आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि 600 इसने कॉस्ट किया है तो काफ़ी टाइनी आपको मिल जाएंगे, नहीं इनकी जो लेंथ है अच्छी खासी मिलती है आपको और क्वालिटी भी अच्छी है। 600 ही मान के चलो आप, 600 के अकॉर्डिंग तो ब्यूटिफुल। ओके, बात करें अगर नेक्स्ट सेट की, इसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, डिसअपॉइंट इन द सेंस जो मैंने ऑर्डर किया था ना वो पिक में थोड़ा सा पेंडेंट सेट में ये दिखाई दे रहा था एंड जो रिसीव हुआ है ये एकदम डिफरेंट है। ऐसा कुछ मैं ऑलरेडी इसका ना ऐसा कुछ सेट था जिसका रिव्यू भी मैं शेयर कर चुकी हूँ रेड कलर में एंड मैंने ऑर्डर किया था पेंडेंट सेट वाला, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे तो पिक्चर में अटैच कर रही हूँ उसमें देख लीजिएगा, मैंने ऐसे वाला ऑर्डर किया था बट जो रिसीव हुआ है ये कुछ ऐसा रिसीव हुआ है। बट ये सप्लायर अवे कलेक्शन नहीं है, अवे कलेक्शन से सिर्फ 2 सेट आए हैं, ये आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पता नहीं, मतलब सप्लायर नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं क्योंकि उसमें ना थोड़ा लुक उसका ज़्यादा अच्छा आ रहा था, ऐसे कुछ थोड़ा सा लॉन्ग में था, ये अगेन चोकर में आ जाता है, चोकर में है ये एंड वो लॉन्ग सेट में था, लॉन्ग नेकलेस सेट था, उसमें एक ऐसे पेंडेंट बना हुआ था, पेंडेंट वाला जो डिज़ाइन था ड्रॉप शेप उसी में उसकी इयररिंग्स थे। तो यस, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बुरी नहीं है, इसने कॉस्ट किया 750 के अकॉर्डिंग। आई विल से कि जो मैंने इससे पहले सेट बाय किया था सेम कुछ ऐसा सा ही था, सिमिलर आई मीन उसको आई थिंक 7 या 8 मंथ्स हो गए हैं, कुछ ऐसा ही सिमिलर सा डिज़ाइन था बट उसने कॉस्ट किया था आई थिंक 1150 या 1100 के आसपास कुछ उस ज्वेलरी ने कॉस्ट किया था, उस नेकलेस सेट ने कॉस्ट किया था, बट ये 800 के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली डिज़ाइन दूसरा भेजा है बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होता है कि आप जो पिक में देख के जो ऑर्डर करते हो आपको वो नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा होता है ना कि नहीं यार वो आता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो यस
कुछ ऐसा मिल जाता है आपको। तो 750 के अकॉर्डिंग तो मस्त डील है, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ ऐसा सेंड करते हैं तो। ओके नेक्स्ट बात करें तो इसने मेरे को पोस्ट किया 500 एंड जो कुछ ऐसे जो भी लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अफोर्डेबल से रेट में आपको कुछ अच्छा सा एडी में मिल जाए तो ये डेफिनेटली आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसको एंड जो इससे पहले वाला मैंने चोकर सेट आपको दिखाया था इसको भी 600 में इसको भी ट्राई आउट कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, अच्छी डील है। एंड ये भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डील है, इसकी शाइन काफ़ी अच्छी आ रही है। इनफैक्ट पर्सनली मेरे को क्या लगता है कि जो ग्रीन एंड सिल्वर का कॉम्बो है ना काफ़ी अच्छा कॉम्बो हो जाता है एंड एडी में तो मस्त लगता है ये सिल्वर एंड ग्रीन का। वेरी प्रिटी शाइन, वेरी प्रिटी डिज़ाइन, ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाता है एंड इसके साथ ना ऐसा कुछ आपको ईयरिंग्स मिल जाते हैं ऐसे वाले। 500 कॉस्ट के बट 500 टोटली वर्थ इट है, ये आपको डिज़ाइन ऐसा मिल जाता है। तो यस ये था आज का मीशो से एडी ज्वेलरी होल वीडियो। आई होप हर बार की तरह आपको ये वाली वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल उनके लिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा। एंड यस अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कोई सेट देखा हुआ है मीशो पे, आप चाहते हैं मैं उसका रिव्यू करूँ, स्पेशली एडी ज्वेलरी की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उसका ना कोड या लिंक मेरे को कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उसका रिव्यू कर पाऊँ। तो ये प्रिटी डील है, आप डेफिनेटली डाल के। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।